तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग सोच होंगे मैं इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, और इतनी रात को जा रही हूँ, 7:30 बज चुका है। और अभी जो है मैं निकल रही हूँ, उसके बाद जो है मार्केट भी जाना है। तो आप लोग सोच होंगे कि इतना सब कुछ क्यों, तो मैं जाके वहीं पर आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्यों जा रही हूँ। और हो सकता है शायद मैं दोबारा बात नहीं कर पाऊँ, तो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर जब करूँगी ना उसमें बता दूंगी। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? और कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा। बस कंघी करनी, बाल खुले करके नहीं जाने वाली हूँ, बाल को मैं बांध के जाऊंगी। बट फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। कितने बाल उलझे हुए हैं ना। और बस रेडी हो गए, तैयार हो गए जाने के लिए। तो चलिए निकलते हैं, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। ठीक है, बाय। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, हम लोग न्यू मार्केट जाएंगे। वहाँ पे हम लोगों को गिफ्ट खरीदना है, क्योंकि बर्थडे दो जगह है, एक ही दिन पे दो बर्थडे अटेंड करना है हम लोगों को। तो बस गिफ्ट तो बस हम लोग न्यू मार्केट के पास ही हैं, और यहाँ पे सिग्नल हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शोर भी होता है ना, तो अच्छा लगता है गाड़ियों की आवाज़ आती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को ओरिजिनल वॉइस भी सुना देते हैं, तो भाई सुनिए। गड़बड़ी हो गया, तब तो बनती है ना भाई। हाँ? यार घर में वीडियो बना रहे तब तो बनती है ना। यहाँ पे खड़े हैं तो जब तक बना ही देती हैं, खड़े हैं जब तक। यूट्यूबर्स की जिंदगी ऐसी होती है क्यों? व्हाट अ जोक। कहाँ जा रही हो? इधर देखो, इधर इधर देखो, उधर सामान है उनका, इधर से चलो, इधर से। इधर से चलो ना। तो यहाँ पे मैंने किट्टू के पापा को वीडियो बनाने के लिए दिया था, बट उन्होंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया और फिर मुझे दे दिया। उन कह रहे थे कि वो सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाने में। मैंने बोला अरे बाप रे, ठीक है, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा। देखोगे कभी भी मैं खुद ही लेती हूँ, उनको फोटो लेने का भी शौक नहीं है। तो ये है बर्थडे गर्ल और ये केक है। ये तो मैंने फोटो ले ली थी अपने भाई के मोबाइल से, बाकी बर्थडे पहले ही हो चुका था, मतलब केक कट हो गया था। और एक जगह और हम लोग गए थे तो वहाँ भी बहुत टाइम हो गया था, खाना होने लगा था, तो वहाँ का भी मैंने वहाँ की फ़ोटो नहीं ली है, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। तो अगर मुझे बाद में मिलेगी तो मैं दूसरे वीडियो में ऐड कर दूंगी। एक जगह बर्थडे में गए तो वहाँ का मैंने ऐड कर दिया है, दूसरे का देखते हैं। और ये देखो मैं डांस कर रही हूँ, तो
तो डांस का वीडियो जो है ये है, इसमें थोड़ा सा ही वीडियो मैंने ऐड किया है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा और मैं डांस कर रही हूँ, उसमें म्यूज़िक ही नहीं है। बिना म्यूज़िक के कैसे अच्छा लगेगा यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस गाने पर डांस कर रही हूँ। चलो आज का चैलेंज बताओ मुझे, किस गाने पर मैं डांस कर रही हूँ। वैसे थोड़ा बहुत तो आप लोग गैस कर सकते हो कि कौन सा गाना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जाओ नीचे और जल्दी से कमेंट करो कि ये कौन सा गाना। जिसने गाना बताया उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर आएगा, ठीक है? तो चलिए अभी आप लोग मेरा डांस एंजॉय करिए। गाइज अगर आप यहाँ देखोगे तो किट्टू भी मेरे साथ डांस कर रही है, आप देखोगे। देखो कैसी कमर हिला रही है वो उसको भी डांस बहुत पसंद है लगता है। जैसे ही गाना बजता है कहीं दूर से भी आवाज़ आती है ना, तो वो डांस करने लग जाती है। तो देखो बस खड़े खड़े हिल रही है बस, उसको बिल्कुल भी सारा मतलब जैसे बच्चे होते हैं शर्माते, वो नहीं आ रही उसको शर्म। बहुत ही प्यार तरीके से देखो डांस कर रही है। और ये बाहर थोड़ा इस तरफ ज़्यादा भीड़ थी, उस तरफ ज़्यादा लोग नहीं हैं। और एक जगह और गए थे वहाँ पे तो केक वगैरह सब कट चुका था और खाने पे बैठ चुके थे सब लोग, डांस वगैरह भी सब कुछ हो चुका था। तो मैं बहुत लेट पहुँची थी, मैं क्या बताऊँ कि क्या हो हम लोगों को जिस टाइम पे पहुँचना होता है ना, हम उस टाइम पे कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं, हमेशा लेट हो जाते हैं। ठीक है कोई नहीं, एक एक जगह का तो मैंने शेयर कर ही दिया ना आप लोगों से, तो इन्जॉय करिए वीडियो। तो गाइज हम लोग जो है रात को आ गए थे और रात बहुत हो गई थी, लेट हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग जो है नहीं बना पाई। और बहुत थक भी गए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और डांस वगैरह भी किया था मैंने, अभी आपने डांस देखा ही होगा। उस पर साउंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर कॉपीराइट आ जाता ना तो मेरी इतनी मेहनत जो अभी तक मैंने की वो पूरी बेकार हो जाती इस वजह से। और मैं लेट पहुंची थी इस वजह से और वीडियो नहीं बना पाई, मतलब केक कट करने का टाइम का जो वीडियो होता है वो वीडियो नहीं बना पाई। और वहाँ पे भी भीड़ भाड़ थी इस वजह से नहीं बना पाई वीडियो। और पहली बात तो ये है कि देखो हम किसी घर जाते हैं और वहाँ पे किसी को वीडियो बनाना मतलब वीडियो पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो हम किसी की भी वीडियो ऐसे नहीं अपलोड कर सकते। पहले की बात अलग थी, पहले ऐसा था कि मेरे वीडियो ऐसे हर कोई नहीं देखता था क्योंकि उस समय इतना था ही नहीं, है ना। लेकिन अभी जो है मेरा वीडियो कोई सा भी जो है अच्छा रैंक कर सकता है, तो इस वजह से अभी वीडियो बिल्कुल भी हर किसी की नहीं डाल सकती। मैं खुद ही सोचती हूँ कि मतलब ये वीडियो मुझे डालनी चाहिए, ये वाली वीडियो नहीं डालनी चाहिए, मतलब खुद ही सोचती हूँ और फिर मैं वही करती हूँ। बाकी मुझे दूसरों से कहने से पहले मतलब अपन खुद ही सोच लें तो वो अच्छा होता है। और मुझे मालूम है कि कब किसकी वीडियो मुझे अपलोड करनी है, कौन मुझ पे ट्रस्ट करता है कौन नहीं करता है, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ, बाकी मैं और किसी की वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, शादियाँ हो रही है, मैं बहुत सारी शादी में गई हूँ और अभी जाऊँगी भी, तो लेकिन ये है कि मैंने कहीं की भी जो है वीडियो अभी तक अपलोड नहीं करी है। और रीज़न यही है मेरी वीडियो ना आने का, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, रीज़न बता रही हूँ कि मतलब आज बता रही हूँ, अभी तक नहीं बताया था। मैं शादियों में अभी कुछ जगह गई थी, इस चक्कर में मैं वीडियो जो है नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेन रीज़न यही था क्योंकि देखो अपने खुद के घर की हो, जैसे मेरे मम्मी पापा के घर की जो है कुछ अच्छा लगना चाहिए। जब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है, मैं वही भी, अभी मेरा चैनल बहुत आगे आ चुका है और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, कभी भी मेरे चैनल जो है रैंक कर सकता है एकदम से, हो सकता है कोई भी वीडियो मेरी वायरल हो जाए। और अगर किसी मतलब किसी ऐसे फैन लोगों के पास ऐसी वीडियो चली जाए कि भाई कोई होता है ना जो मतलब गलत गलत वो कर लेता है, लेकिन आपको देख रहे हो देखोगे कि मेरे चैनल पे अगर आप कोई भी वीडियो देखो, बिल्कुल एक हाउसवाइफ का क्या करती है घर में, एक ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, तो मेरे वीडियो मेरे चैनल पे ऐसे कोई वीडियो का कोई भी गलत गलत मतलब इरादा नहीं है कि इसको अपलोड करने का। वो कैसे रहती है तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी के भी ब्लॉगिंग चैनल में चले जाओ, यूपी ब्लॉगर आराध्या के चैनल पे चले जाओ जाएंगे, फिर
प्रियदीप के चैनल पे चले जाएंगे, मिसी का फैमिली चैनल पे या राधिका के चैनल पे, और बहुत सारे यूट्यूबर लेकिन जिनके मैं खास खास वीडियो देखती हूँ उनकी, तो वो उन सारे वीडियोस में देखोगे आप एक हाउसवाइफ कैसे रहती है, क्योंकि प्रियदीप भी एक उनका चैनल है मेकअप का, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग चैनल देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वो गाँव जाती है तो कितनी सिंपल तरीके से रहती है, वो कितने अच्छे से जो है वो वहाँ पे सब लोगों के साथ मिल के रहती है, काम करती है वहाँ का, आपने उनको गोबर से लिपते हुए भी देखा होगा। तो मतलब जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो फिर हम तो अभी छोटे यूट्यूबर हैं ना, मतलब तो भी इंसान को मतलब प्रॉब्लम होती है। तो भाई कुछ लोग ऐसा होता है जलने वाले होते हैं जिनको ना किसी की कामयाबी जो होती है ना वो रास नहीं आती, तो वो लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं, तो मैं उन जैसे लोगों को अपने वीडियो में लाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बाकी रही बात, मेरी फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जिनको वीडियो वगैरह पसंद नहीं है, मुझे खुद पता है, तो इसलिए मैं उनसे पूछती नहीं हूँ, ना मैं उनका वीडियो बनाती हूँ ना मैं उनको अपने वीडियो पर लेकर आती हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मेरे आसपास भी शादियाँ होती है तो मैं उनको इसलिए नहीं लेकर आती हूँ क्योंकि भाई आसपास की शादियों का है, कभी किसी ने मेरा वीडियो देखा कोई कहने लगा कि अरे उन्होंने मैं हमारी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, तो भाई ऐसा कोई को बोलने से पहले ये है कि हम अपलोड ही ना करें। मैं मुझे इन चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि मुझे कोई कुछ बोलता मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, फिर ऐसा होता है कि मेरी लड़ाई हो जाती किसी के साथ भी, तो मैं ऐसा काम ही नहीं करती जिससे मुझे लड़ाई करना पड़े किसी से। बाकी मैं डरती किसी से नहीं हूँ, ये बात मैं कई बार वीडियो पे बता चुकी हूँ कि मैं डरती किसी से नहीं हूँ, मैं तो भाई ऐसा जवाब देने वाले में से हूँ, मैं बिल्कुल किसी का कुछ भी सहन नहीं करती हूँ, इसी वजह से मेरी ज़्यादा किसी से बनती भी नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ऐसा मौका ही बहुत कम आने देती हूँ जिससे लड़ाई हो, तो बस यही रीज़न है। तो आज आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी थी ये भी पता चल गया होगा, और मैं आप लोग जैसे बोलते ये ब्लॉग आपने शेयर नहीं किया वो ब्लॉग शेयर नहीं किया तो उसका भी कारण आपको इस वीडियो पे पता चल गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरी बातों से, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।